दीदी राम राम। राम राम जी। आज क्या करने जा रहे हैं दीदी? हम आज ये मटर बीज के उपचार है करते हैं भैया। ठीक है, इसके लिए क्या क्या सामग्री का सकता होती है दीदी? भैया यह बेवस्टीन पाउडर है 10 ग्राम मिला वो 6 किलो पर मीटर है भैया, या मटर बीज में 10 ग्राम इला मिला वो भैया, या भैया PSB कल्चर है भैया इला भी हम मिला वो भैया, मतलब दस्ताना है भैया इला हम हाथ की सुरक्षा के लायक पहन थन इला हाथ में दवाई ना लगे कर, ये चम्मच है भैया में हम दवाई मिला था। आपने तो सामग्री के बारे में बता दिया दीदी, अब इसको करके दिखाएंगे कैसे करते हैं? हाँ भैया बता सकते हूँ, या ए में भैया हम पहले हल्का हल्का ऐसे पानी डाल थन ताकि पूरे मटर बीज में दवाई मिल जाए, पानी डाल के भैया पहले पूरे मटर बीज में ऐसे मिला लेथन पानी डाल, या बेवस्टीन आए भैया इला हम 10 ग्राम मिला वो भैया। अच्छा, कितने ग्राम का चम्मच है दीदी? ये 2.5 ग्राम का है भैया। अच्छा, अच्छा से मिला वो भैया ताकि पूरे मटर बीज में मिल जाए। या भैया पर मीटा एला भी 10 ग्राम मिलाने हैं भैया। एला भी अच्छा से मिला वो भैया पूरे मटर बीज में मिल जाए। या PSB कल्चर है भैया इला हम ये दवा ला पूरी मिला वो एक पैकेट, यानी 6 किलो मटर बीज ली इला भी अच्छे से मिला वो भैया। दीदी मटर बीज उपचार तो हो गया, कितने देर बाद इसकी बुआई कर सकते हैं हम? एला हम भैया 1-2 घंटा के बाद बुवाई कर देंगे भैया खेत में। हाँ ठीक है, तरह से बीज उपचार करने करके और बुवाई करने से क्या क्या लाभ है दीदी? भैया ऐसे बीज उपचार करने से अच्छा पौधा स्वस्थ रहता है और उपज भी अच्छा होता है भैया, और इसमें कीड़ा भी नहीं लगे भैया। मटर बीज उपचार करते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए दीदी? भैया बीज उपचार करने के पहले दस्ताना पहनना चाहिए हाथ में, हाथ की सुरक्षा के लायक ताकि दवाई ना लगे हाथ में, और फिर पूरे इसको मिलाने के बाद अच्छे से 2-3 बार साबुन या निरमा से हाथ को धोना चाहिए भैया। अच्छा। ताकि हम फिर बिना हाथ धोए हम कोई सामान नहीं छीन सकें भैया। तरह से बीज उपचार किए हैं दीदी, तो और किसान लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे दीदी? भैया मैं डिंडोरी जिला के सभी किसान भाई लगाता हूँ कि ऐसे बीज उपचार करके खेत में डालें और अच्छी आमदनी लें भैया। आपने इतना अच्छा जानकारी दी दीदी, और अपना कीमती समय भी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राम राम। राम राम भैया।